हेलो स्टूडेंट, वेलकम्स टू बीरेन्स एकेडमी। आशा करुच्ची आपण मैंने भल रही। देखो करेन्ट अफेयर ये हूँ आम कौन क्लास नंबर टू, जे कि आम ये इंपोर्टेंट हम आपर ओएस एग्जाम, ओडिशा आदर्श विद्यालय एग्जाम, तापर पंचायत एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और जूनियर असिस्टेंट एग्जाम ये कौन कि आप इंपोर्टेंट हम बुझिपाले। जदि आप बीरेन्स एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब करूँ, यहाँ भिडर नोटिफिकेशन आपको मिले, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। आ जदि आप ओईवीएस रो पेड कोर्स जॉइन करने को चाहते हैं, जमीक टीजीटी मैथमेटिक्स हो, टीजीटी साइंस, टीजीटी एसएसटी, तापर आपणकर पीजीटी फिजिक्स, पीजीटी बायोलॉजी, टीजीटी इंग्लिश, पीजीटी इंग्लिश जी जॉइन करने को चाहती, ताल आपण कौन कि 9040759525 व्हाट्सअप करें। बुझिपाले? देख टीजीटी कोर्स रोज आपको 499 रुपीज, गोटे लाइव रेकर्डेड क्लास, स्टडी मटेरियल, क्वेश्चन बैंक, आउ पीजीटी कोर्स फी रोज 999, जो थे ये पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री, कमन पेपर भी अवेलेबल रहा सहित एगुड़ाक भी रिजनिंग, करेन्ट अफेयर, ओडिया, इंग्लीश, ता सहित सब्जेक्ट कंटेक्ट। आउ जदि आप पंचायत एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और जूनियर असिस्टेंट कोर्स जॉइन करा चाहते हैं, जो कि 499 आप जॉइन करेंगे ये नंबर व्हाट्सएप कर। बुझे तो चलते डेरी न करके देखा कौन कौन क्वेश्चन आम अच्छे। देख फास्ट क्वेश्चन जमी अच्छी, व्हिच कंट्री इज द विनर ऑफ 2022 साफ अंडर 18 वुमेन्स चंपियनशिप। सो अंडर 18 वुमेन्स चंपियनशिप रो कंट्री विनर होती से कंट्री ना हूँ कौन से कंट्री आम किए ना इंडिया है। इंडिया ये कौन कर विनर है जी कि बांग्लादेश को कौन कि 0-1 रे बांग्लादेश को कौन कि डिफीट करी ना। तो एठी रे कौन कि माने जो जो रिजल्ट डिक्लेयर है ना गोटे गोल को नहीं कि गोल रो डिफरेंस नहीं कि होता माने कंपैरिजन कराइला 11+11 निया जाइला कार इंडिया रे, इंडिया रा +3 नहीं था बांग्लादेश रा, एमती नहीं कि कंपैरिजन करा जाइला आओ बुझे। तो आज वैल्युएबल प्लेयर थे लाइन डा कम जे कि कौन कि 5टा गोल मारते लाइन डा कम के 5टा गोल ए मारते बुझे। नेक्स्ट देख व्हिच कंट्री इज द होस्ट ऑफ 2026 कॉमनवेल्थ गेम। तो 2026 कॉमनवेल्थ गेम होस्ट किए को ऑस्ट्रेलिया रा विक्टोरिया स्टेट होस्ट करिवो कोन 2026 कॉमनवेल्थ गेम है। यहाँ जो आप जानते हैं मल्टी स्पोर्ट गैदरिंग ये जो रही है जी मैंने गोटे ब्रिटिश कॉलोनी मानक मैंने लास्ट 5 एडिशन गुड़ाक सब ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन हो 2026 गेम जोटा हाँ से आपण कौन विक्टोरिया स्टेट्रे हाँ जाऊँ द इंग्लिश सिटी जो आप ब्रिंघम अच्छी ब्रिंघम कौन कि 2022 एडिशन होता जोटा कि जुलाई 28 रु आम होता है मन रखिए 2022 कौट होता है इंग्लैंड रिंगमैन सिटी। व्हिच कंट्री इज द होस्ट ऑफ फिफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022। कौ कंट्री होस्ट अच्छी कौन फिफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022 वो कौ कंट्री से ना से कंट्री ना हूँ कौन इंडिया है। इंडिया होस्ट कर कौन फिफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप इवेंट रार कौन आपणकर रही कौन बीबीएसआर गोवा आउ आपणकर मुंबई है। यहाँ आपणकर कौन जो जून 24 रु एटा स्टार्ट जीवा। नेक्स्ट व्हिच कंट्री इज द होस्ट ऑफ 24th समर डीफ ओलंपिक्स है। समर्स डीफ ओलंपिक्स जो होची जो कौ कंट्री एटी होस्ट करपर से कंट्री ना हूँ कौन एटा हूँ कौन आप 24th समर डीफ ओलंपिक एक होल्ड किए करुच्ची आपणकर ब्राजिल, ब्राजिल एक कौन कि होल्ड करुच्ची है आपणकर 1 मे 2022 एटा होती भी मैंने इंडियान कंटीजेंट रही 65 आथलेट भी पार्टिसिपेट करुं गेम्रे जानते जो आप धनुष जो श्रीकांत से कौन कि गोल्ड मेडल 10 मीटर एयर रिफाइल कंपिटिशन पाई जो थे कि आप सोरियास साइनी जो अच्छा सी कौन कि ब्रोंज पाई आउ इंडियाज बैडमिंटन टीम भी जीति कौन ये जो जापान को हरई कि 3-1 फाइनाल
जीतिला गोल्ड मेडल। व्हिच इज द मैस्कोट ऑफ द फोर्थ खेलो इंडिया यूथ गेम 2022? को फोर्थ खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 तो मैस्कोट कौन और द मैस्कोट कौन है जो मैस्कोट कोई पर मैस्कोट हूँ आपंकर धक्कड़ है धक्कड़ हूँ मैस्कोट आम जो यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग ठाकुर यही मैस्कोट को कौन कि लंच कर सहित ऑफिशियल लोगो ऑफिशियल जर्सी भी फोर्थ खेलो इंडिया यूथ गेम कर आ फोर्थ एडिशन जब क्वेश्चन आसो किए होस्ट करुचे ना हरियाणा एटी होस्ट करुचे किए हरियाणा होस्ट करुचे मन रखिव बुझिपाल जोटा कि आपणकर केबेला ना जून फोर रु नहीं कि जून थर्टिन जाएटा बुझिपाल एटे ट्रेडिशनल पांचटा ट्रेडिशनल गेम भी एथर इनक्लूड कर देख हुईज फुटबल क्लब क्लींस्ड इंटरनेशनल लीग टाइटल 2022 वो किए सी आपण केरला एफसी जो रे सीए जीति चंती हैला टाइटल केरला एफसी जीति चंती काहा को हरे की ना कलकत्ता बेस्ड जो रही आपण जो मोहम्मदन स्पोर्टिंग को हरे की से जीति चंती 5 राउंड रे टूर्नामेंट रहितला बुझपले कोलकाता रे तो राइट आंसर कोन हिजो केरला। देख हुईज इज द वेन्यू अफ द वुमेन्स वर्ल्ड बक्सींग चंपिशिप सो वुमेन्स वर्ल्ड बक्सींग चंपिशिप्र वेन्यू कौटा को हुईज इज द वेन्यू अफ द वर्ल्ड वुमेन्स वर्ल्ड बक्सींग चंपिशिप्र वेन्यू किए ना आपणकर इस्तानबुल जानते इंटरनेशनल बक्सींग आसोसीएसन आईबीए है टर्की इस्तानबुल हूँ 2022 बुझे इंडियन कंटिजेंट भी एथिरे माने टूर्नामेंट फिनिश कर चुनती कौन की तीन टा मेडल पाई गोटे गोल्ड पाई आईटा आपणकर ब्रोंज पाई तेलंगाना बेस्ट बक्सर जो आप निखात जारेन सी गोल्ड जीति 52 केजी कैटेगोरी आ मनीषा 57 आ प्रवीण जीते सी 63 केजी रे कौन की ब्रोंज पाई। नेक्स्ट देख व्हिच कंट्री वन द उबर कप टाइटल 2022 तो कौ कंट्री उबर कप टाइटल 2022 जीति कौ कंट्री से हूँ साउथ कोरिया। साउथ कोरिया क्या हर कि ना चाइना को हर कि साउथ कोरिया उबर कप टाइटल जीति ये प्रेस्टिजियस उबर कप चंपिशिप जे कि आपंकर थाइलैंड होता जार कैपिटल हो बैंकॉक है तो साउथ कोरिया कौन कि 12 वर्ष वेट कलापर प्रथम थर ये टाइटल जीति चंती चाइना को हर कि चाइना की क्या कि 16th टाइटल यहाँ चाइनार होता जी चाइना जीति था तापर जो थोमास कप हुए जानते इंडियन जो मेन टीम से भी इंडोनेशियन को हर कि से भी ए हुईज द विनर अफ द 2022 मलेशिया ओपन मेन टाइटल सो मलेशिया ओपन मेन टाइटल 2022 किए हूँ विनर वो किए हूँ विनर ना सी हूँ किए विक्टर है विक्टर हूँ कौन विनर अच्छा यहाँ हूँ आपर टोक्यो चंपियान ये विक्टर एक्सेसिन आउ थाइलैंड आपणकर भी जन अच्छा सी भी कौन कि टाइटल जीति 2022 मलेशिया ओपन। हुईज रेसिंग ड्राइवर ओन द फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स 2022 तो कौ रेसिंग ड्राइवर जीत जान थ से भी फॉर्मूला वन चंपियन भी आउ फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स इन द ईयर 2000 के मार्क्स है देख हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ कोऑर्डिनेटर फॉर द G20 समिट टू बी होस्टेड बाय इंडिया इन 2022 किए अपॉइंटेड है कोऑर्डिनेटर भाव में G20 समिट जे कि होस्टेड है इंडिया द्वारा 2023 चौदह किए हर्षवर्धन श्रृंगला है अपन जानते हो फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी हर्षवर्धन श्रृंगला अपॉइंटेड है कोऑर्डिनेटर G20 समिट जे कि आप 2023 हवाक जाती आपंकर श्रृंगला जे कि रिटायर कर सी कौन करेंगे ना जे कि एप्रिल 30 जी रिटायर कर चार्ज ने आम जो कमर्स मिनिस्टर अच्छा अ पीयूष गोयल है सी भी पार्टिसिपेट कर।
व्हाइटली गोल्ड अवार्ड इज प्रेजेंटेड पीपल हु कंट्रीब्यूट इन व्हिच फील्ड कला व्हाइटली गोल्ड अवार्ड जो प्रेजेंट करा जाए लोक मानक कौ फील्ड रे एक्चुअली ना ये हूँ आप कौन वाइल्ड लाइफ एंड बायोडाइवर्सिटी है वाइल्ड लाइफ आउ बायोडाइवर्सिटी जार आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन रोचे जमीक आप जानते चारुदत्त मिश्र जन थे जो कि स्नो लियोपर्ड आप कंजर्वेशन लिस्ट सी एवार्ड पाई 2022 है लोकाल कम्युनिटी उपरे कौन एफर्ट थिला केमिति स्नो लियोपर्ड को कंजर्व करी हबो तो सेपाई व्हिच इंडियन आर्किटेक्ट हाज बीन कन्फर्ड द प्रेस्टिजियस रॉयल गोल्ड मेडल 2022 कौ इंडियन आर्किटेक्ट को से किए ना बालकृष्ण दोषी है ना बालकृष्ण दोषी हो करेक्ट आंसर है वर्ल्ड हाइएस्ट अनर ये हूँ आर्किटेक्चर रे रॉयल इंस्टीट्यूट फॉर ब्रिटिश आर्किटेक्ट जोटा कि आम RIBA ताक कहते हैं ये 94 बालकृष्ण दोषी जो कि ओनली वन थे इंडिया रो अच्छे भी फास्ट यही अवार्ड पाई कौन रॉयल गोल्ड मेडल आउ आपणकर आर्किटेक्चर प्राइज ये पाई जहाँ आम नोबेल प्राइज ऑफ आर्किटेक्चर भी कहींपर हु हाज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरपर्सन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस सो CBDT सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस न्यू चेयरमैन किए कह न्यू चेयरमैन ये किए होती से हो किए नितिन गुप्ता है ये जो IRS ऑफिसर नितिन गुप्ता न्यू चेयरमैन भाव में होती इंडिया रेवेन्यू ऑफिसर थे 1986 बैच ये आपणकर इनकम टैक्स कैडर थे आउ आपणकर इन्वेस्टिगेशन से मेंबर भी थे बुझिपाल नेक्स्ट व्हिच इंडियन हाज बीन अवार्डेड द आयुर्वेदा रत्न अवार्ड बाय द यूके पार्लियामेंट यूके पार्लियामेंट द्वारा जो आयुर्वेदा रत्न अवार्ड दि जाए कौ इंडियान ये जीति कहना कौन तनुजा नेसरी है तनुजा नेसरी हो कौन करेक्ट आंसर ये डायरेक्टर भी आम ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद है यूके ऑल पार्टी पार्लियामेंट्री ग्रुप जो अच्छी इंडियन ट्रेडिशनल साइंस से अवार्ड देखते नेक्स्ट देख हु हाज बीन नेम्ड एज द न्यू MD एंड CEO ऑफ द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज किए ये नुआ MD बा CEO हो जाए कौन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज किए कौन तक ना आशीष चौहान है आशीष चौहान ये जाइए ये मार्केट रेगुलेटर जो आम SEBI रहा है ये ही यही ना को प्रस्ताव देते हाँ आशीष चौहान को आम कौन कि MD आउ CEO भाव में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हो आशीष चौहान कौन कि करेन्टली भी MD आउ CEO अच्छा आपंकर BSE जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज अच्छा से एक्सचेंज जो रिभाइविंग द एक्सचेंज बहुत से फेमस भी थे 2009 नेक्स्ट देख व्हिच यूनियन मिनिस्टर अवार्डेड द नेशनल कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी तो कौ यूनियन मिनिस्टर को ये कौन कि नेशनल कॉर्पोरेट रेस्पॉन्सिबिलिटी भाव में सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी भाव में कौन कराई ना अवार्ड दि जाए कि मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर है मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर आपण जो नेशनल कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी अवार्ड ये पाई तब देखो व्हिच बिजनेस पर्सन वाज रैंक्ड फास्ट इन द फॉर्च्यून इंडिया लिस्ट ऑफ इंडियाज रिचेस्ट फॉर 2022 तो कौ बिजनेस पर्सन रैंक्ड हेचन कोन फास्ट इन द फॉर्च्यून ऑफ इंडिया लिस्ट ऑफ द इंडियाज रिचेस्ट फॉर 2022 किए सी निश्चय जानते सी होचन के गौतम अदानी हैला गौतम अदानी जे कि कोन कि तंगरा केते वेल्थ अछि रुपीस 10.29 trillion बुझले Who has been appointed the CEO of my government, Ministry of Electronics and IT? Kia appointed is the CEO of my government, Ministry of Electronics and IT? So, who is it? Na Akash Tripathi IAS. Hala. Akash Tripathi IAS, jana kon ki 1998 batch ra IAS officer Madhya Pradesh cadre ra thile. Se chief executive officer bhabare my government, my Ministry of Electronics, Information Technology ra aiye jodi. आज जो आप जो सीनियर ब्यूरोक्रेट अच्छा किए जानते सी होती किए अजय भाडो है सी भी अपॉइंटेड होती कौन डिप्यूटी इलेक्शन कमिशनर आमर
ହେଲା, ତା ସହିତ 35 ସିଭିଲ ସର୍ଭେଣ୍ଟ ବି ଆପଏଣ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ମୁଲାୟମ ସିଂ ଯାଦବ ଯିଏକି ରିସେଣ୍ଟଲି ତାଙ୍କର ଡେଥ୍ ହୋଇଯାଇଛି, ହେଲା, ସେ କେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ର ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଥିଲେ କୁହ, କେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଥିଲେ? ନା ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ, ହେଲା। ଇଏ ଜଣେ ବହୁତ ଫେମସ୍ ପଲିଟିସିଆନ୍ ଆଉ ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟିର ଫାଉଣ୍ଡର ବି, ହେଲା, ତାଙ୍କର 82 ଏଜ୍ରେ ଡେଥ୍ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଥିଲେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର, ତିନିଥର ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଥିଲେ, ଯେମିତିକି 1989ରୁ ନେଇକି 1991, ଏଗେନ୍ 1993ରୁ ନେଇକି 1995, ଏଗେନ୍ 2003ରୁ ନେଇକି 2007 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ସେ ୟୁନିଅନ୍ ଡିଫେନ୍ସ ମିନିଷ୍ଟର ଆପଣଙ୍କର ୟୁନାଇଟେଡ଼ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଣ୍ଡର୍ରେ ବି ଥିଲେ, କେବେ 1996ରୁ ନେଇକି 1998 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଏ ବି ଥିଲେ। ଯିବା ନେକ୍ସଟ, ହୁ ହାଜ୍ ବିନ୍ ଆପଏଣ୍ଟେଡ୍ ଆଜ୍ ଦ ଚେୟାରପର୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଏୟାର ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ କମିଟି ଅଫ୍ ଦ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ସିଭିଲ୍ ଆଭିଏସନ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍? କିଏ ଏଠି ଆପଏଣ୍ଟେଡ୍ ହୋଇଛନ୍ତି ଦ ଚେୟାରପର୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଏୟାର ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ କମିଟି ATC ଅଫ୍ ଦ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ସିଭିଲ୍ ଆଭିଏସନ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍? କିଏ? ନା ଡକ୍ଟର ସୈଫ୍ ଅଲି ଜୁନେଜା, ହେଲା। ଡକ୍ଟର ସୈଫ୍ ଅଲି ଜୁନେଜା ଆପଏଣ୍ଟେଡ଼୍ ହୋଇଛନ୍ତି ଏଠି ଚେୟାରପର୍ସନ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ କମିଟି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ସିଭିଲ୍ ଆଭିଏସନ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଦ୍ୱାରା। ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ଇଏ ଥିଲା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ସୋ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ ଦିସ୍ ଭିଡ଼ିଓ।